देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज और मैं हूँ आप। मैहर मां शारदा देवी मंदिर में अत्यधिक मात्रा में पहुंचे दर्शन करने श्रद्धालु। मंदिर परिसर में फैली अव्यवस्था, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। मंदिर क्षेत्र में समिति कर्मचारी नदारद और नहीं है एक भी पुलिस बल। सतना से हमारे संवाददाता राहुल के साथ। सतना जिले के सरकारी अस्पताल में गेट के पास दुकानदार पान की दुकान के आड़ में सरकारी जमीन पर कर रहे हैं कब्जा। नगर निगम को दे रहे हैं चुनौती, प्रशासन इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करती। चाय की दुकान की आड़ में यहां पर शराब की बिक्री, गांजे की तस्करी इन ठेलों द्वारा की जाती है। यह सब पुलिस की नज़र में है पर जिला प्रशासन कर रही है इसे नज़रअंदाज। सतना से हमारे संवाददाता राहुल के साथ। सतना जिले के कोठी में उत्तर प्रदेश के पिंडरा से सस्ते दाम में डीजल माफिया कर रहे हैं कोठी में अवैध डीजल का कारोबार, प्रशासन बना मौन। सतना सहित 8 जिलों में टीकाकरण को गति देने में सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सितंबर तक 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि टीकाकरण में 75% से कम प्रगति वाले जिलों की पृथक से खुद उनके द्वारा की जाएगी समीक्षा। मझगवा थाना अंतर्गत चितहरा मोड़ के पास हुआ सड़क हादसा, हादसे में बाइक सवार हुआ घायल, घायल को मझगवा अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी। सतना जिले के कोठी थाना अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रही 2 महिलाएं हुई अचेत, कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। रैगांव विधानसभा अंतर्गत बचवई गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का राशन हड़प गया विक्रेता, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश, चिन्हित कुछ लोगों को बांटा गया खाद्यान्न, बाकियों को बोला नहीं पहुंचा राशन। रीवा सुपर स्पेशलिटी में ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के सामने फॉल सीलिंग गिर गई, बड़ा हादसा टला, घटिया कार्यों की धीरे धीरे खुल रही है पोल। टीकमगढ़ में अपने 3 मासूमों के साथ अचानक लापता हुई मां और बच्चे की कुएं में तैरते मिले शव, कल सुबह बिना बताए घर से लापता हुई थी महिला, मौके पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानून व्यवस्था, दिन रात सलामत नहीं है जनता, कोलगवा और कोतवाली टीआई अपराध कंट्रोल करने में निरंतर असफल, जब दिन दहाड़े राह चलते लोग सुरक्षित ना रहे तो समझ लेना चाहिए कि अब सिर्फ भगवान का ही सहारा है। जब देखो जहां देखो वहां हो रहा है अपराध, पुलिस अधीक्षक अपराध मुक्त समाज की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सुस्त रवैये तक सीमित रहने वाले अधिकारी एसपी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देना चाहते। मैं सीमा में करे सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण, टीएल बैठक में कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को निर्देश। इस मौके पर आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, अपर कलेक्टर सुश्री विमलेश सिंह सहित विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 12 संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के नाम सौंपा गया ज्ञापन, जिला अध्यक्ष श्री देवेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ग्वालियर के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, जिसमें सीईओ संघ पंचायत सचिव सहित सभी अधिकारी कर्मचारी रहे उपस्थित। ग्वालियर से संदीप शुक्ला की रिपोर्ट, कैमरामैन हिमांशु सक्सेना के साथ। विधानसभा के वार्ड क्रमांक 14 में पीने के पानी को तरसती जनता, आज कांग्रेस जनसेवक श्री सुशील शर्मा जी ग्वालियर विधानसभा में भीषण जल संकट में 2 माह से बेहाल जनता के बीच चिलचिलाती धूप में मां बहनों व बुजुर्गों के साथ 3 घंटे बैठकर धरना दिया, जब पीने के पानी की समस्या का निवारण का काम शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं सेजल। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कोरोना से डरिए नहीं, दूरियां बनाए रखिए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सुरक्षित रहिए। और लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज़। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।